हाँ बेटा हम रिएक्शन करा देते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद कैमेनोफोर। ठीक है, एक तो कैमेनोफोर की हमने रिएक्शन देख ली थी बेटा, अब हम कैमेनोफोर भी कैसा है आपका, एसिडिक एसिडिफाइड है। ठीक है, एसिडिफाइड कैमेनोफोर है आपका, ध्यान से देखेंगे आप उसको, एसिडिक कैमेनोफोर। ठीक है, एसिडिक कैमेनोफोर लिखा रहेगा आपका या फिर हॉट लिखा रहेगा। ठीक है, हॉट हॉट कैमेनोफोर। ये देखो क्या करता है बेटा, इसकी रिएक्शन थोड़ा पिछले वाले से थोड़ा डिफरेंट होती है। एक चीज और बता दूं बेटा मैं, जैसे कैमेनोफोर की रिएक्शन होगी ना वैसे ही ओजोनोलिसिस की रिएक्शन होगी, या तो आप ये समझ लो, ट्रिक समझ लो इसको बस इस तरीके से, क्या कैमेनोफोर की रिएक्शन और ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन सेम रहती है भाई। ओजोनोलिसिस, अगर आपसे ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट आता है बनाना, तो आप कैमेनोफोर का से रिएक्शन का भी प्रोडक्ट बना दोगे। तो हम पहले ओजोनोलिसिस वाला सीख लेते हैं बेटा, उसकी ट्रिक हमें पता है। ओजोनोलिसिस वाला जैसे प्रोडक्ट बनेगा बिल्कुल वैसे ही कैमेनोफोर का बनेगा प्रोडक्ट, या ऐसे समझ लो सेम बनेगा प्रोडक्ट। जो ओजोनोलिसिस वाला बनेगा प्रोडक्ट वही कैमेनोफोर वाला बनेगा। कैमेनोफोर को कैसा होना चाहिए, अल्कलाइन कैमेनोफोर। पहले बेटा मैं ओजोनोलिसिस वाला सिखा रहा हूँ यहीं कहीं। ठीक है, जो ओजोनोलिसिस का आएगा वही कैमेनोफोर का होगा। देख लेते हैं बेटा ओजोनोलिसिस वाली, समझा रहा हूँ। इस रिएक्शन को मैं पेंडिंग में डाल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, ओजोनोलिसिस वाला देख लेते हैं यहाँ पर। ओजोनोलिसिस, जो ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट बनाएंगे आप वही आप कैमेनोफोर वाला प्रोडक्ट बना देंगे। जैसे बेटा ये है आपके पास CH3, CH डबल बॉन्ड CH2 है। ओजोनोलिसिस में किसके साथ रिएक्शन कराते हैं आप, O3 के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, ZN की प्रेजेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अब ओथ किस तरीके से लिखेंगे भाई, आप इसको देखो यहाँ पर सी डायरेक्ट लिखेंगे करेंगे भाई, ट्रिक से ही बस हम यहाँ पर इसको कैसे करना है आपको। सबसे पहले ये जो है आपका ये CH2 डबल बॉन्ड हटा देते हैं बेटा यहाँ का, ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है आप इसको हटा देते हैं यहाँ से, इस डबल बॉन्ड को, इस वाले डबल बॉन्ड को आप हटा देते हैं और तीनों लिख लेते हैं इस तरीके से, 1O, 2O और 3O, और तीनों को इस तरीके से हम जोड़ देते हैं ऐसे ऐसे जोड़ देंगे, और फिर यहाँ से भी कट कर देंगे, एक कट यहाँ से लगा देंगे और एक कट आप यहाँ से लगा देना। तो बेटा क्या बनेगा आपका, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक तो ये बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड O, एक ये बन जाएगा। ये जो O बचेगा इस O को ZN ले जाएगा और ZNO की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। दो प्रोडक्ट बने भैया आपके। अच्छा एक चीज और है भैया आपकी, दो प्रोडक्ट तो बन गए आपके, कौन कौन सा बना, एक CH3 CHO, एक CH2O। CH2O को आप ये भी लिख सकते हो HCHO, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट बनने वाले हैं भाई आपके, ध्यान रखना। ठीक है, बस यही ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट और देख लेते हैं बेटा हम ओजोनोलिसिस की रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस वाली और रिएक्शन देख लेते हैं हम। ओजोनोलिसिस की रिएक्शन जो दी आपकी, ये दी आपकी CH3 C, यहाँ पर क्या दिया बेटा CH3 डबल बॉन्ड, क्या दे दिया है वहां पर CH2। फिर वो ये बेटा किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, O3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस है बेटा, ZN की प्रेजेंस। अगर ZN की प्रेजेंस नहीं होनी ना, फिर प्रोडक्ट कुछ और बनेगा भाई। देखो ZN की प्रेजेंस में देख अभी दे बताते हैं बेटा क्या प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसकी अगर एबसेंस होगी क्या करना है आपको, सबसे पहले CH3, बड़ा सिंपल सी चीज है भाई, ये बोन हटा दो सबसे पहले, हटा दिए। 3 O है, एक यहाँ पर लिखो, एक यहाँ और एक यहाँ, और तीनों को ऐसे जोड़ दो, जोड़ दिया। अब आपको क्या काम करना है, कट लगाना है, एक कट यहाँ से लगाना है और एक कट यहाँ से लगाना है। क्या बनेगा, एक तो अब CH3 बचा आपके पास, C बच रहा है इधर CH3, बस इस C के साथ एक O जुड़ा हुआ है आपका, ये वाला O बेटा डबल बॉन्डेड O रहेगा आपका, पहली बात तो ध्यान रखेंगे। इधर क्या बचा, CH2O CH2 डबल बॉन्ड O। आप इस CH2 डबल बॉन्ड O को ऐसे भी लिख सकते हैं HCHO HCHO, इस तरीके से HCHO भी लिख सकते हैं। ये प्रोडक्ट बन गया बेटा आपका, और एक ओ जो बच रहा था इस ओ को ZN ले जाएगा अपने साथ, और किसके अंदर चेंज हो जाएगा, ये ZNO के अंदर चेंज हो जाएगा। दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं आपके। ठीक है, अच्छा अगर ये ZN ना होता भाई आपका, अगर ये ZN ना होता फिर ZNO भी ना बनता, इसका मतलब ये ओ यूज होता फिर आपका, ये ओ कहाँ पर यूज होगा फिर अगर ZN नहीं होगा। अभी दो रिएक्शन दिखाऊंगा उसमें देखना, क्वेश्चन पहले समझ लो इसे। अगर ZN है तो ZN ले जाएगा इस O को, ZNO में चेंज हो जाएगा। अगर ZN नहीं है फिर ये O कहाँ पर यूज होगा, सुनो ध्यान से, कहाँ पर यूज होगा, हर हर मॉलिक्यूल में, चाहे वो ये वाला मॉलिक्यूल है चाहे वो, कहाँ पर यूज होगा, वो जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच होगी ना, उस कार्बन पे अगर H लग रहा है तो उस H को ऑक्सीडाइज कर देगा वो,
एक बार और सुन लो, ये ओ अगर कंज्यूम नहीं हुआ ZN के साथ या ZN प्रेजेंट नहीं है, फिर ओ कहां पर जाएगा? ओ कहां पर जाएगा? ऑक्सीडेशन में यूज होगा। किसका ऑक्सीडेशन करेगा? उस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करेगा जो कार्बन से अटैच होगा, अगर उस कार्बन से ऑक्सीजन भी अटैच है। अगर कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है और उसी कार्बन से हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है? यानी कि इस तरीके से इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऐसे HCOOH, वो फंस जाएगा बस बीच में जाकर। कुल मिलाकर बात ये, ये इधर वाला फंसा तो बेटा इधर वाला भी फंसेगा है। इसकी रिएक्शन अभी देखते हैं आगे क्या बनने वाली है। देखो जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा हम ओजोनोलिसिस के ऊपर, जिसके बाद हम थोड़ा आगे आगे की ओर चलते हैं। ओजोनोलिसिस इंपॉर्टेंट फिनोमेना है आपकी भाई। जैसे बेटा एक क्वेश्चन है आपका, बनाना है आपको, ओजोनोलिसिस करना है। CH3 क्या है आपका? CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है बेटा। ओजोनोलिसिस करवाने के लिए बोल रहा है वो, क्या बोल रहा है बेटा? O3 के साथ रिएक्शन बोल रहा है, दूसरे की ZN दिया है बेटा उसने, है ZN और वाटर की प्रेजेंस। कराओ बेटा इसको, क्या काम करेंगे आप, किस तरीके से करना है? CH3 CH CH सिंगल बॉन्ड CH3 आपको ऐसे करना है। और क्या काम करना है बेटा आपको? तीन ओ हैं ये, पहले स्टेप पर आ रहे हैं, एक ओ दो ओ तीन ओ, तीन ओ को ऐसे लिख दे डबल बॉन्ड हटाकर, ठीक है? और तीन ओ को ऐसे आप जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे आप। उसके बाद क्या काम करेंगे आप? यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ से भी क्या काम करेंगे आप? यहाँ से भी बॉन्ड तोड़ेंगे इस तरीके से। और क्या बनेगा आपका? एक तो ये बन जाएगा CH3 CH और डबल बॉन्ड ओ बन गया भैया आपका। उधर क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH और डबल बॉन्ड ओ, ये बन गया बेटा एसिटाल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। और ये वाला ओ कहाँ पर गया? ये ZNO ले गया अपने साथ, ठीक है? इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाएगी। अब मैं हटा रहा हूँ बेटा इसको रिएक्शन को। जैसे एक क्वेश्चन और है, आप चेक करेंगे बेटा उसको। CH3 C, ये क्या है आपका? CH3 क्वेश्चन है आपका ये। और क्या बनाना है हमें? डबल बॉन्ड CH2, ये दिया बेटा। हाँ, उसकी रिएक्शन ओजोन के साथ करानी है पहला, दूसरा वही दिया ZN और वाटर के साथ आपको इसकी रिएक्शन करानी है। बड़ी सिंपल सी है बेटा, बिल्कुल वही करना है हर बार, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। नया डबल बॉन्ड हटाएंगे पहले आप यहाँ से, डबल बॉन्ड बनाइए सर। हाँ ठीक है बेटा, डबल बॉन्ड हटाने के बाद क्या लगाएंगे? एक ओ यहाँ, एक ओ यहाँ और एक ओ यहाँ, और इन तीनों को इस तरीके से हम जोड़ देंगे, ठीक है? अब क्या काम करेंगे उसके बाद? कट लगाएंगे एक इधर से और एक इधर से। तो इधर क्या बन जाएगा बेटा आपका? एक तो बन जाएगा CH3 C, ऊपर क्या है बेटा? CH3 डबल बॉन्ड ओ, एक तो ये बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपका? CH2O। CH2O को फॉर्मल्डिहाइड भी कहते हैं भैया। ये है इस तरीके से HCHO CH2O, ठीक है? और ये ओ कहाँ गया? ये वाला ओ, ये ZN ले गया अपने साथ, ZNO में चेंज हो गया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन था भाई, बड़ा सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और है बेटा इस तरीके से, सही क्वेश्चन आपसे आ जाना चाहिए बस। अभी CH3 CH3 डायरेक्ट बनाएंगे बेटा, बिना काटे बनाऊंगा आपका मैं इसको, आपसे डायरेक्ट देखना इसको कैसे बनेगा। सी इधर क्या है बेटा? CH3 इधर भी क्या है? CH3 बेटा जब हम कराएंगे बस, सिंपल सी चीज क्या होगी बेटा, और छोटा कर देते हैं इसको हम। और छोटा कैसे होगा? आपको ये बॉन्ड हटाकर, ये वाला बॉन्ड हटाकर इसकी जगह डबल बॉन्ड ओ लगाना है, खत्म बात। और छोटा हो गया ये CH3, क्या बन गया बेटा? डबल बॉन्ड ओ मॉलिक्यूल बने सीटोन पे। हाँ CH3 CH3 इस तरीके से आपका बन जाएगा, दो मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है? अच्छा ये तो हो गया। अब देखो थोड़ा सा इसमें, थोड़ा सा इसको हम डिफर करके देखते हैं, जल्दी से उतार ले बेटा, थोड़ा और डिफर करके क्या हो जाएगा देखो। जैसे मान लिया ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से है बेटा, ठीक? अब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं और विदाउट ZN करा रहे हैं। अब ध्यान रखना, मैं ZN नहीं ले रहा, अब मैं ऑक्सीजन ले लिया, बस नीचे नहीं लिया मैंने कुछ भी। अब कराएंगे बेटा वही बात है, बिल्कुल सिंपल सी चीज। क्या है बेटा, जैसे अभी बता रहा था मैं, क्या बता रहा था मैं, यहाँ से बॉन्ड तोड़ते हैं और क्या लगा देते हैं? डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं। लगा दो बेटा CH3, क्या लगा दिया यहाँ पर? डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, हो गया भाई काम। इधर भी यही काम करते हैं बेटा, क्या है आपका? CH2 और डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, ये बन गया आपका, ठीक? बड़ी सिंपल सी चीज़ है भाई। अच्छा और चीज़ और है, और कर देते हैं बेटा इसको, थोड़ा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ मैं। HCH लिख देंगे। एक चीज़ और है भी, क्या बताया था मैंने, अगर एक ओ बच रहा भाई, अभी दो ही ओ आए इसके, अगर आपको दिखाई दे रहे हो, एक ओ ये आया, एक ओ ये आया, एक ओ और बच रहा है, वो ओ ऑक्सीडेशन में यूज होगा। किस का ऑक्सीडेशन में? उस हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज करेगा जो कार्बन से अटैच होगा। कौन सा वाला? उसको ऑक्सीडाइज करेगा जो कार्बन से अटैच होगा। देखो
इस हाइड्रोजन को ये जो तीसरा ओ बच रहा है ऑक्सीडाइज कर देगा। कैसे ऑक्सीडाइज करेगा बेटा, यहाँ पर ये यूज होगा भाई, तीसरा वाला ओ किस तरीके से यूज होना है, वो इस तरीके से यूज होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच इस तरीके से यूज होगा, तो एसिटिक एसिड बनेगा बाई प्रोडक्ट, एसिटल्डिहाइड ना बन के एसिटिक एसिड। अच्छा ये तो यूज हो गया, यहाँ पर भी यूज होगा बेटा ओ, यहाँ पर भी यूज होगा, क्या कौन सा एच यूज होगा, किस एच का ऑक्सीडेशन होगा, जो एच कार्बन से लग रहा हो उसी कार्बन से ओ भी लग रहा हो, तो बेटा दोनों तरफ लगेगा, इधर भी लगेगा ठीक है और इधर भी लगेगा, दोनों तरफ से ऑक्सीडेशन होगा, ऊपर ये बन गया ठीक है और बन गया बेटा। अभी और होनी है थोड़ी सी रिएक्शन, ये अनस्टेबल है बेटा ये वाला कंपाउंड, अनस्टेबल क्यों है अनस्टेबल, एक कार्बन पे दो ओ एच नहीं आ सकते एक साथ, वो अनस्टेबल रहते हैं क्योंकि उनके बीच रिपल्शन लगने लगता है, ध्यान से सुनना अनस्टेबल क्यों बताया, इस कार्बन पे दो ओ एच आ रहे लगे हुए, दो ओ एच नहीं लग सकते बेटा, रिपल्शन लगने लगता है उनके बीच, और रिपल्शन लगने से वाटर का मॉलिक्यूल वहां से बाहर निकल जाता है ठीक है, ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, रिपल्शन लगने की वजह से इस तरीके से बाहर निकल जाएगा। क्या बचा, जो चीज बची है बेटा उसको लिख देता हूँ बस, एक तो वाटर बचा और एक CO2 बचा, इस तरीके से ये चेंज हो गया, इस तरीके से याद रखेंगे आप, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट याद रखना है। ये कब बने प्रोडक्ट, क्या क्या बने इसके अंदर, अगर हमें प्रोडक्ट पूछने लगो आपसे बेटा, प्रोडक्ट क्या क्या बने, एक तो एसिडिक एसिड बना इसमें प्रोडक्ट, एक इसमें वाटर और CO2 बना प्रोडक्ट। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ आपको करना है बेटा, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन ये है, सी एस थ्री सी ऊपर क्या है आपका सी एस थ्री, नीचे क्या है बेटा सी एच टू, आपको मैंने रिएक्शन दी है ओजोनोलिसिस वाली रिएक्शन करानी है आपके बेटा, मैंने जेड एन नहीं दिया आपको, जेड एन नहीं दिया तो जेड एन का वो यूज भी करना है भाई, क्यों नहीं है, ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या काम करेंगे भाई हम, यहाँ पर सी एस थ्री डबल बॉन्ड क्या लगा देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन ठीक है, इधर क्या बनाएंगे बेटा हम सी एस टू डबल बॉन्ड क्या कर देंगे यहाँ पर ऑक्सीजन कर देंगे। ये बताओ जो ये तीसरा दो ही ओ आए बेटा यहाँ पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तीसरा ओ बच रहा, उस तीसरे ओ का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, क्यों नहीं है, वो तीसरा ओ बेटा वहीं पर यूज होगा, कहाँ पर, जब कार्बन से ऑक्सीजन भी अटैच हो और उस कार्बन से हाइड्रोजन भी अटैच हो, इसी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करने में यूज होगा, यहाँ पर तो है ही नहीं ऐसा फिनोमिना कि सी डबल बॉन्ड ओ हो और उसी सी के साथ एच भी लग रहा हो, है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। हाँ इसका होगा काम तमाम, देखो यहाँ पर एच ऐसे है, ये जो थर्ड ऑक्सीजन बचा, ये थर्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बेटा क्या करेगा ऑक्सीडाइज, क्यों, कौन सा हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन जो कार्बन से भी अटैच है और उस कार्बन पे ओ भी लग रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, कैसे ऑक्सीडेशन करेगा देखते हैं बेटा, एक एक ओ यहाँ पर फंस जाएगा आकर और एक ओ यहाँ पर फंस जाएगा, अभी बताया बेटा मैंने ये अनस्टेबल होगा आपका, अनस्टेबल अनस्टेबल है तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा बाहर, क्या बाहर निकलेगा बेटा, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल ये बाहर निकल जाएगा और CO2 बचेगा और CO2 ये अलग हो जाएगा इस तरीके से। अगर कोई पूछने लगे बेटा जब आप इसका ओजोनोलिसिस कराते हैं इन एब्सेंस ऑफ ZN, ZN की प्रेजेंस नहीं है भैया पर, तो कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो आपका एसीटोन बनेगा, एक आपका वाटर बनेगा और एक आपका CO2 बनेगा, ये नहीं बनना भाई, ध्यान रखना है, ये तो आगे खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बनते ही खत्म। जैसे एक क्वेश्चन समझ गए होंगे बस भैया आप, जहां तक मुझे उम्मीद है आपसे इस तरीके के क्वेश्चन की ठीक है, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है भाई वो आपको, एक होता है बेटा ग्लाइऑक्सल, ध्यान रखना जरा मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक है यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसको ग्लाइऑक्सल बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल ठीक है, आपको पता है बेटा ग्लाइऑक्सल, चलो एक कंपाउंड दे रहा हूं बेटा मैं ठीक है, चलो एक तो ये दिया उसने ग्लाइऑक्सल, दूसरी चीज ये बोला बेटा सी डबल बॉन्ड ओ एच, और क्या बोला बेटा सी डबल बॉन्ड ओ एच, एक ये दिया उसने, दो दे दिए, एक और दिया बेटा उसने क्या है सी सी एच थ्री सी एच थ्री, यहाँ पर दिया, तीन प्रोडक्ट बनने हैं, बताओ कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है आपका, ओके बेटा प्रोडक्ट देके रिएक्टेंट पूछ रहा है क्वेश्चन में, पहले तो क्या था रिएक्टेंट देकर प्रोडक्ट पूछा था, आपके क्या कह रहा है बेटा वो प्रोडक्ट ही दे दिया उसने तीन, और रिएक्टेंट पूछ रहा है कि रिएक्टेंट बताओ कितने हो, कौन सा रिएक्टेंट है इसके लिए, देखो क्या मतलब है इसका, इसने प्रोडक्ट दे दिया आपको तीन, एक तो ये दिया, एक तो ये दिया उसने रिएक्टेंट ठीक है, दूसरा रिएक्टेंट कौन सा दिया उसने, सॉरी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट उसने ये दिया है आपको, एक प्रोडक्ट उसने कौन सा दिया, एक प्रोडक्ट ये वाला दिया ठीक है, आपको पता है बेटा
आपने क्या काम करना है, जहां पर भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं उन सभी डबल बॉन्ड पर, डबल बॉन्ड ओ ऑक्सीजन जो दिखाई दे रहे हैं, रिएक्टेंट बनाना है भाई इसका, यही क्वेश्चन है, रिएक्टेंट बताओ इसका क्या है, किससे बनेंगे। आपने क्या काम करना है भाई, ये वाला मॉलिक्यूल उठाओ सबसे पहले, तो ये वाला मॉलिक्यूल उठा लाओ सी एस थ्री सी, ऊपर क्या रहेगा आपका यहाँ पर सी एस थ्री रहने वाला है, ठीक है, ये बन गया आपका। अच्छा एक तो ये बन गया भाई, ये जो डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ कहाँ से बनाया था, मैंने डबल बॉन्ड को ही हटाया था, कौन सा डबल बॉन्ड था, जो कि कार्बन से आपका जुड़ा हुआ होता, जो कि कार्बन से आपका जुड़ा हुआ था। इसमें कुछ चीज मिस हो गई, नहीं सही है भाई, सभी सही है, ग्लाइऑक्सल है, हाँ एक चीज मिस हो रही है बेटा, इसमें क्या गड़बड़ हो रही है, ये वाला मोलिक्यूल और ये वाला मोलिक्यूल सेम हो रहे हैं, एक मिनट रुक जाए बेटा, इसको मैं थोड़ा सही कर रहा हूँ, ये वाला मोलिक्यूल नहीं था भाई आपका, ये मोलिक्यूल इसने क्वेश्चन हमने गलत कर दिया थोड़ा सा, ये है भाई क्वेश्चन आपका, ये यहाँ पर जो दिया ना उसने सी एस थ्री सी एच ओ दिया, सॉरी भाई फॉर देट, उसके लिए सी एस थ्री सी एच ओ दिया उसने यहाँ पर, सी एस थ्री सी एच ओ ये दिया उसने यहाँ पर, सी एस थ्री सी एच ओ दिया, और एक ये दिया भाई उसने सी डबल बॉन्ड ओ एच, और एक क्या दिया सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये दिया भाई उसने, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये प्रोडक्ट दे दिया बेटा उसने, पूछा क्या उसने, ये अटेंड बताओ, चलो क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया, क्या कर दिया वो, ये बस बेटा एक मैंने ये चेंज किया है और कुछ नहीं किया, देखो प्रोडक्ट बनाना है भाई इसका, सॉरी रिएक्टेंट बनाना है इसका, रिएक्टेंट क्या होगा ये क्वेश्चन है आपका, आपको क्या काम करना है, इन सबको सीक्वेंस में लिखो सी एस थ्री सी एच, और जहां पर भी डबल बॉन्ड ओ आ रहा हो वहां डबल बॉन्ड कार्बन करना है आपको, खत्म, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन सी एच सी एच ये, और डबल बॉन्ड क्या करना है आपको कार्बन, ठीक है, और फिर क्या करना है आपको सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री, ये तीनों मॉलिक्यूल जोड़ दिए मैंने, क्या काम किया डबल बॉन्ड ओ को हटाकर, क्या काम किया बेटा मैंने, बस डबल बॉन्ड कार्बन किया है और कुछ नहीं किया, जैसे इनको हटाया मैंने और इन दोनों ओ को हटाकर क्या रखा बेटा मैंने इसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन किया है और कुछ नहीं किया, ऐसे बेटा मैंने इन दो को भी हटाकर क्या किया है, अगर आपको ध्यान दिखाई दे रहा हो कार्बन डबल बॉन्ड बस कार्बन लगाया है और कुछ नहीं लगाया, ये क्वेश्चन जीवन था बेटा आपको दे रखा था, इस तरीके से आपको सोल्व कर जाना है बस इसको, समझ गए हो भाई, जैसे एक क्वेश्चन और देता हूँ, यही आंसर है भाई आपका, रिएक्टेंट पूछा था उसने, रिएक्टेंट इस तरीके से आप लगा लो, आपको क्या काम करना है डबल बॉन्डेड ओ को हटाकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन लगाना है, डबल बॉन्डेड ओ को हटाकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से आपको पढ़ना है, जैसे एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ बेटा मैं, क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन आपका बन गया यहाँ पर, ठीक है, और उसने क्या दिया बेटा, एक तो कह रहा वो ओजोनोलिसिस कराओ, दूसरा जेड एन वाटर की प्रेजेंस में करा दिया बेटा, मैंने तो सिंपल सी चीजें करा देते हैं बेटा, कैसे बताया मैंने, कराने के लिए यहाँ से बॉन्ड तोड़ो और बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या काम करते हैं डबल बॉन्ड ओ लगा देते हैं और कुछ नहीं करते, एच भी है भाई ध्यान रखना, यहाँ पर भी एच है और यहाँ पर भी एच है, अगर आपको दिखा दे रहा हो तो ऊपर क्या है आपका सी एच टू, ठीक है, इस सी एच टू को थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देते हैं भैया, ऊपर क्या है देखो, ये तो है आपका सी एच, ऊपर क्या है बेटा सी एच टू, इधर भी क्या है आपका सी एच, तो यहाँ पर से हटके बॉन्ड हटके क्या आएगा बेटा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से भी हटके क्या आएगा आपका डबल बॉन्ड ओ, इस तरीके से आ जाएगा बेटा, इसका नेम पूछ सकता है आपसे, वो क्या नेम हो सकता है, इसका नंबरिंग कर लो बेटा, अगर आपसे नंबरिंग हो जाए इसको थोड़ा खूबसूरत से बना देते हैं सी एच ओ, क्या आ जाएगा सी एस टू और क्या आ जाएगा सी एच ओ, इसका नाम पूछ सकता है बेटा कौन सा कंपाउंड बनेगा, आपको नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो प्रोपेन बन गया बेटा आपका यहाँ है प्रोपेन, आगे प्रोपेन के बाद 1.3 डाई एल बन गया आपका, ठीक है, प्रोपेन 1.3 डाई एल, एक तो ये बन गया आपका, ठीक है, और क्या पूछ लिया बेटा, एक क्वेश्चन और दिया है उसने आपका, देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से बेटा, ये आपके उसके उसने प्रोडक्ट दिया, ध्यान रखना प्रोडक्ट दिया, ठीक है, प्रोडक्ट क्या क्या दिया उसने देख लेते हैं बेटा, एक तो कह रहा है एच सी एच ओ, एच सी एच ओ बोल रहा, एक क्या बोल रहा उसने ग्लाइऑक्सल दिया बेटा है ओ सी एच सिंगल बॉन्ड ओ सी एच सिंगल बॉन्ड ग्लाइऑक्सल बना देता हूँ बेटा मैं, ग्लाइऑक्सल क्या बोलेगा ग्लाइऑक्सल, उसको थोड़ा सही करके लिख लेता हूँ मैं ऐसे करके सी एच ओ, थोड़ा ताकि आसानी हो जाए आपको पढ़ने में क्वेश्चन, जैसे सी एच ओ देख लेते बेटा, ये दिया उसने सी एच ओ, ये सी एच ओ एक ये दिया, इसको क्या बोलते हैं ग्लाइऑक्सल, नाम याद रखना इसका ग्लाइऑक्सल एक ये दिया उसने, तीसरा एक और प्रोडक्ट दिया बेटा उसने, तीसरा भी उसने फॉर्मल्डिहाइड दिया, फॉर्मल्डिहाइड को आप ऐसे लिख सकते हैं एच सी
एचओ कर गए, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं बेटा, एच सी एच ओ कर गए। मम्मी पूछ रहा बेटा क्या होगा इसका रिएक्टेंट, रिएक्टेंट पूछा है उसने इसके अंदर। देखो कैसे पता करेंगे भाई आप इसका रिएक्टेंट, बड़ा सिंपल सी बात है, जैसे अभी मैंने बताया था उस तरीके से आपको ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करो, जब आप इनको ऐड करेंगे ना तो यहाँ से डबल बॉन्ड हटा के यहाँ पर क्या लगा देंगे आप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसे इसको भी हटा कर क्या लगा देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो आपका रिएक्टेंट बन जाएगा इस तरीके से। क्या एच सी एच डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा कार्बन, तो क्या बन जाएगा बेटा एच, फिर क्या है आपका एच, और फिर क्या है आपका क्या बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या होने वाला है आपका एच, यहाँ पर भी एच, ये आपका रिएक्टेंट बन गया इस तरीके से। आपका रिएक्टेंट पूछा था उसने, रिएक्टेंट भी बना दिया आपने, प्रोडक्ट देके क्या काम किया, डबल बॉन्ड ओ को हटाकर क्या लगाया आपने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ से भी डबल बॉन्ड ओ को हटाकर क्या लगाया आपने, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरीके से बेटा। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, बड़ा जबरदस्त है वो, इसको भी देख लें, लास्ट क्वेश्चन है, इसके ऊपर फिर क्वेश्चन होगा आपका, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया उसने आपको ध्यान से देख लेंगे। सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी एच टू, इसको पूछ रहा है बेटा क्या बनना है इसके अंदर, क्या नहीं बनना है, ओ थ्री दूसरा जेड एन की प्रेजेंस में और वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा है। बड़ी सिंपल सी चीज है बेटा, यहाँ से हटाओ क्या लगा देंगे यहाँ पर ओ, ओ डबल बॉन्ड ओ, यहाँ से हटाओ यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ओ लगा देंगे बेटा, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ इधर भी लगेगा बेटा और इस कार्बन पे लगेगा, ध्यान लगाना, ऐसे ही डबल बॉन्ड ओ इधर भी लगेगा और इधर से इस कार्बन पे लगेगा डबल बॉन्ड ओ, क्या करेंगे बेटा इस तरीके से सी एच थ्री सी एच, एक तो ये बन गया सी एच थ्री सी एच, एक ये सीओ टू भी बनेगा, कैसे, एक डबल बॉन्ड इधर आएगा एक डबल बॉन्ड ओ इधर आएगा और एक ये बनेगा आपका सी एच टू ओ, इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलेंगे बेटा, अगर आपको पता हो क्या कहते हैं एच सी एच डबल बॉन्ड ओ फॉर्मल्डिहाइड, तीन प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके, तीन ही प्रोडक्ट उसने पूछे भी थे बेटा, इस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे, डाउट होगा तो फिर पूछ लेंगे। अच्छा ये तो हो गया भैया आपकी ओजोनोलिसिस की बात, मैं बात कर रहा था बेटा आपकी एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट की, ठीक है, क्या था एसिडिक एसिडिक पोटेशियम पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, एसिडिफाइड केएमएनओ4 लिख देते हैं, एसिडिक केएमएनओ4 के साथ केएमएनओ4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसकी एल्कीन के, रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद एसिडिक KMnO4, मैंने कहा था बेटा बिल्कुल यही रिएक्शन रहने वाली है, कुछ भी चेंज नहीं होगा, जैसे हमारे पास है यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस भी देख लेते हैं बेटा क्या बनेगा, ये है आपका CH डबल बॉन्ड CH2 है, बन गया। अब क्या है यहाँ पर KMnO4 की रिएक्शन करा रहा बेटा मैंने, है KMnO4 भी कैसा है एसिडिफाइड है बेटा, KMnO4 कराते हैं बेटा, वही रिएक्शन करानी है बिल्कुल सेम, आपको क्या काम करना है यहाँ से हटाओ ओजोनोलिसिस वाला ही सेम बिल्कुल, और क्या काम करना है आपको डबल बॉन्ड ओ लगाना है पहली चीज, दूसरा क्या काम करना है इधर भी आपको डबल बॉन्ड ओ लगाना है, इतना तो करना ही करना है, प्लस दूसरी चीज क्या एक्स्ट्रा है बेटा इसमें, उसमें तो क्या काम कर रहे थे आप, जो ऑक्सीजन ZN जो था तीसरे ओ को ले जा रहा था, एक बार और सुनेंगे बेटा, ZN जो था ऑक्सीजन को ले जा रहा था, यहाँ पर ZN है ही नहीं, ऑक्सीजन भी बेटा यहाँ पर इतने ही निकलेंगे जितने ओजोन में से आप बाहर निकल गए थे, तीन तीन निकल रहे थे बाहर, तो यहाँ पर भी तीन तीन के हिसाब से याद रखेंगे, तो बेटा कहने की बात क्या है KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन करेगा, इसका भी ऑक्सीडेशन करेगा, इसका भी, क्यों करेगा इसका ऑक्सीडेशन, इसको छोड़ने का नहीं हुआ आराम से, क्यों करेगा बेटा इसका ऑक्सीडेशन, इसका कारण है क्यों करेगा, देखो इसका कारण यही है, मैंने कहा था ये जो एच होता है ना ये ऑक्सीडाइजेबल एच होता है, ध्यान रखना ऑक्सीडाइजेबल एच है, इसका ऑक्सीडेशन होता ही होता है, कौन सा ऑक्सीडाइजेबल एच, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वहां पर तो ओजोन था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यहाँ पर KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इसका होगा क्यों होगा, कौन सा एच होगा, यो वो एच जो कार्बन से अटैच हो और उस कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी अटैच हो तब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एक बार और सुन लेंगे, वो एच जो कार्बन से अटैच होगा और उसी कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन भी अटैच रहेगा, तो ये एच ऑक्सीडाइजेबल एच कहलाएगा, इसका ऑक्सीडेशन होना ही होना है, चाहे यहाँ KMnO4 हो या कुछ और हो, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई दूसरा, कैसे ऑक्सीडेशन होगा और इसका, बस सी के और एच के बीच में ओ फंस जाएगा, तो ये एसिटिक एसिड बनेगा भाई, इसमें एसिटिक एसिड ये बनने वाला है आपका, उसको देख लेते हैं, उसको सी एस टू ओ को क्या कह रहा था, वो क्या है एच सी एच ओ, इसका भी बेटा ऑक्सीडेशन होगा, इसका जब ऑक्सीडेशन होगा ठीक है किससे KMnO4 से, वही बात है बेटा, क्या फंसेगा यहाँ पर ओ फंसेगा सी और एच के बीच में,
यहाँ पर भी ओ फंसेगा सी और एच के बीच में, ठीक है। ये बन गया, अभी मैंने बताया था आपको, अगर आपके ध्यान हो दो ओ एच एक कार्बन पे लग रहे हैं तो ये बेटा स्टेबल नहीं होंगे, ये अनस्टेबल रहते हैं। जब एक कार्बन पे दो ओ एच लगते हैं तो वहां से एस टू ओ का मोलिक्यूल निकलेगा ही निकलेगा, तो एस टू ओ अलग निकल जाएगा और सीओ टू अलग। अगर वो पूछने लगे बेटा बेटा प्रोपीन है आपका, ये प्रोपीन, प्रोपीन की जब आप एसिडिफाइड केमनो फोर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट कौन कौन से बनते हैं, तो बेटा प्रोडक्ट ये नहीं बने दो कभी इन दो का निशान लगा दो कि खाए बनेंगे, ये नहीं बने बेटा, ये तो टूट फूट गए। एक तो बना आपका एसिटिक एसिड, एक तो क्या बना एसिटिक एसिड, और दूसरा बेटा ये बने प्रोडक्ट आपके एस टू ओ और सीओ टू, तीन प्रोडक्ट बने इसके अंदर, और तो सारे कंज्यूम हो गए बेटा। ये भी कंज्यूम हो गया और ये वाला भी खत्म हो गया आपका। ये वाला कंज्यूम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजेबल एच था, इसके ऊपर तो दो दो ऑक्सीडाइजेबल एच है, एक ये वाला भी और ये वाला भी। क्यों बोला मैंने ऑक्सीडाइजेबल एच इनको, क्योंकि ये एच उस कार्बन से अटैच है जिससे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच था। इस तरीके से बोल रहा हूँ, जरा एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। जैसे CH3 इस तरीके से बेटा डबल बॉन्डेड ये दे दिया उसने, CH2 दे दिया बेटा, एसिडिफाइड एमिनो फोर के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ। ये एमिनो फोर भी कैसा है आपका एसिडिफाइड, वही आपको ओजोनोलिसिस की तरह लेके चलना है बेटा। यहाँ से तोड़ो और क्या कर दो, ये CH3 यहाँ पर भी क्या है आपका CH3 डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ जाएगा। एक तो ये बन गया बेटा, दूसरा प्रोडक्ट आपका ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहा था। अब बताओ इसके अंदर क्या ऑक्सीडाइजेबल एच है, नहीं तो बेटा एक प्रोडक्ट तो आपका यही रहने वाला है, इसका आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, आपका ध्यान रखना आगे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। हाँ इसको देख लेते हैं बेटा, इसका होगा ऑक्सीडेशन, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये क्या है HCHO था आपका, HCHO जो KMnO4 है इस ऑक्सीडाइजेबल एच को भी ऑक्सीडाइज करेगा, इसको भी ऑक्सीडाइज करेगा, तो क्या बनेगा ये HOC डबल बॉन्ड ओ, ऑक्सीडेशन ऐसे होगा इस एच का। आगे बेटा ये अनस्टेबल है, एक कार्बन पे दो OH, तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और जो बचेगा वो CO2। अगर वो पूछने लगे इसका IUPAC नेम क्या है बेटा, अगर आप IUPAC 2-methyl propene कह रहा है 2-methyl propene का जब KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम में तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो क्या ध्यान देंगे बेटा आप, एक तो एसीटोन प्रोडक्ट बनेगा और दो प्रोडक्ट आपके ये बनने वाले हैं जो कि आपको ध्यान रखने इस तरीके से कि क्या क्या प्रोडक्ट आपके बन जाते हैं। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन थी बेटा। एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर ताकि क्लियर हो जाए आपका क्या मैटर है। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा आपका ये वाला क्वेश्चन CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, इसको ही कह रहा KMnO4 के साथ रिएक्शन कराइए, KMnO4 के साथ एसिडिक मीडियम में रिएक्शन कराइए, क्या बनेगा क्या नहीं बनना, आपको क्या काम करना है भाई, ओजोनोलिसिस की तरह यहाँ से बॉन्ड काटो और डबल बॉन्ड लगा दो इस पे खत्म, CH2 डबल बॉन्ड ओ प्लस CH2 डबल बॉन्ड ओ एक, ठीक है। अब बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये इसको ऐसे नहीं छोड़ना, इसको इसकी फॉर्म में लिखो जो क्या है, इसकी असली फॉर्म ये होती है, इसकी असली फॉर्म ये होती है बेटा, इसकी भी असली फॉर्म लिखो HC डबल बॉन्ड ओ एच, ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसको भी थोड़ा हम ऐसे लिख देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे, इसको भी लिख देते हैं, क्या बनेगा बेटा HC डबल बॉन्ड ओ एच, इस तरीके से लिख दिया। अब बेटा लिख तो दिया हमने, अब बेटा ये ऑक्सीडाइजेबल एच है आपको पता है, ऑक्सीडाइजेबल एच ये मैंने बता दिया, ऑक्सीडाइजेबल एच कौन सा होगा, ये भी ऑक्सीडाइजेबल, ये भी ऑक्सीडाइजेबल, इनका ऑक्सीडेशन होगा, कौन ऑक्सीडेशन करेगा, KMnO4 में से आया भाई ऑक्सीजन निकल के ये करेगा, कैसे करेगा, इस तरीके से HOC डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ओ फंस जाएगा CH के और H के बीच में, खत्म बात, इतनी सी बात है बेटा, ये इस तरीके से आपको फंस जाना है इस तरीके से। और आगे पता है आपको ये कैसा है आपका अनस्टेबल, क्यों है अनस्टेबल, क्योंकि एक कार्बन पर दो OH लग रहे हैं तो ये निकलेगा बेटा वहां, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आएगा निकल कर, तो क्या बचेगा, एक तो वाटर बनेगा और एक CO2 बनेगा, ऐसे यही काम बेटा यहाँ पर भी होगा, एक तो वाटर बनेगा और एक CO2। अगर पूछने लगे वो एल्कीन का जब एसिडिक मीडियम में कराते हैं रिएक्शन तो क्या बनता है भाई, KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बस बेटा वाटर और CO2 बनती है, खत्म बात, ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे, दो वाटर और दो CO2। मोल तो नहीं पूछेगा वो, मोल का तो फिर मोल कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन बन जाएगा, ये पूछेगा बस क्या क्या बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 बनेगी, आपको ध्यान रखना है बेटा है। तो उसमें ओजोनोलिसिस में बेटा इस ओ का यूज नहीं हो रहा था थर्ड वाले का, क्यों, क्योंकि इस ओ को तो ZnP जा रहा था अपने साथ, ठीक है। अगर मैं इसी का ओजोनोलिसिस कराने लगूँ ना, जरा ओजोनोलिसिस का भी खेल देख लो, ये कहीं ओजोनोलिसिस हो जाना चाहिए भाई, O3 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम ZN की प्रेजेंस में, वही काम है बेटा, बिल्कुल क्या काम करेंगे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे आप, एक तो क्या बन जाएगा आपका CH2O और ये भी क्या बन जाएगा आपका CH2O,
ठीक है, और जो तीसरा ओ था ना उसको ZN ZNO में कन्वर्ट हो जाएगा, ZN ले जाएगा अपने साथ, तो दो प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर ओजोन बेसिस के केस में, ये जो शुरू के दो बने थे, आगे नहीं जाएगी उसमें रिएक्शन, क्यों नहीं गई आगे, क्योंकि जो तीसरा होता वो ZN ले गया, ZNO में चेंज हो गया। हाँ, अगर ये ZN ना होता फिर प्रोडक्ट हमारा यहीं तक जाता ओजोन बेसिस में भी, क्योंकि ZN है नहीं तीसरे ओ को ले जाने के लिए, तीसरा ओ ऑक्सीडेशन में आगे फिर एच को यूज कर लेता, एक्स को ऑक्सीडेशन कर लेता एक्स का। जैसे एक क्वेश्चन और है देखो, जैसे बेटा आपका यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, इसको कह रहा बेटा कराओ इसका KMnO4 एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ रिएक्शन कराओ। बट ये सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, कैसे करेंगे आप, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या लगा दो, ये डबल बॉन्ड ओ लगाना है आपको, पहला काम तो यही करना है, इधर भी करना है बेटा आपको यही काम, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है भाई, कुछ है ही नहीं इसमें, तो ये कर दिया आपने। अब बेटा देखो क्या ऑक्सीडाइजेबल एच है दोनों के अंदर, बिल्कुल है, ये भी ऑक्सीडाइजेबल है एच, ये भी ऑक्सीडाइजेबल है, तो बेटा इनका भी ऑक्सीडेशन होना है आगे, ये वैसे ही नहीं रह जाएंगे, तो वो एच बन जाएगा, वो फंस गया, और ये डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पर भी यही काम होगा, क्या है बेटा ये सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ और ऊपर क्या फंस जाएगा आपका ओ एच, तो क्या बना बेटा ये क्या आता है ब्यूट टू इन, ब्यूट टू इन का जब एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं क्या बनता है, एसिटिक एसिड बनता है, ये एसिटिक एसिड है बेटा आपके, दोनों के दोनों क्या रहने वाले हैं आपके एसिटिक एसिड। इस तरीके से आपको बेटा क्वेश्चन कर डालने हैं इनके, बस इतनी सी बात थी बेटा है, ये क्वेश्चन और दूंगा जरा क्लास पूरी हो रही है देख लेते हैं अगर होता है तो, ये क्वेश्चन है आपका, आप बताओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इतना मैं लिंक भेजूँ इतना आप जल्दी से कर कर देख लेंगे क्या प्रोडक्ट बन सकता है इसमें सी एस थ्री, ये बस बेटा है KMnO4, जल्दी से आप इसको चेक करेंगे, टाइम खत्म हो रहा है, एक मिनट से कम है, इसके अंदर प्रोडक्ट देखेंगे बेटा, मुझे तो देखते ही पता लग रहा है क्या प्रोडक्ट बनना है, आप चेक करो क्या प्रोडक्ट इसके अंदर हो सकते हैं। अभी लिंक एक तो सर वो होगा प्रोपेनोइक एसिड, वेरी गुड, और शाबाश, और शाबाश शाबाश, वेरी गुड बेटा बना लिया आपने, वेरी गुड, इससे इधर वाले से क्या बन जाएगा आपका प्रोपेन एसिटिक एसिड, और इधर वाले से क्या बन जाएगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से आप पढ़ लेंगे भाई, ठीक है, क्लास बेटा पूरी हो गई, मैं दूसरा लिंक